हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग में न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन जो होते हैं इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक जो वायरिंग होती है, इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिकल जो वायरिंग होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे उनको सॉल्व किया आता है। देखिए गाइज, मैंने क्वेश्चन पहले ही सॉल्व करके लिख लिया है और फिर आपको उसमें मैं सब समझाऊँगा, क्योंकि लिखने में जो टाइम लगता है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने क्वेश्चन पहले ही लिख लिया है और आपको सिर्फ मैं उसको समझाऊंगा, ठीक है। जैसे हमारे पास एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एक भवन के दो कमरे 3 मीटर × 4 मीटर × 3 मीटर, मतलब 3 मीटर लंबाई चौड़ाई और उसकी ऊंचाई, तीनों दी हुई है डायमेंशनिंग उसकी, जो आपस में जुड़े हुए हैं। यदि भवन के एक कमरे में दो प्रकाश पॉइंट, मतलब एक भवन के एक कमरे में क्या बोल रहा है, बिल्डिंग के एक कमरे में दो लाइट पॉइंट, एक फैन पॉइंट तथा दो प्लग सॉकेट पॉइंट है, तो आपस में जुड़े कमरों में लगने वाली सामग्री की मूल्य सहित गणना कीजिए। मतलब जो उसकी कॉस्टिंग निकलेगी मूल्य सहित गणना करना है। तो हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसको हम कुछ स्टेप में सॉल्व करेंगे। पहली स्टेप हमारे पास दी हुई है, पहला है हमारे पास इलेक्ट्रिकल लोड्स ऑफ रूम, मतलब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल कितने इलेक्ट्रिकल लोड लगे हैं इस रूम में। तो इसे हमारे पास हम देखेंगे उसमें कितने इलेक्ट्रिकल लोड्स है एक रूम में, फिर उसके बाद देखेंगे, अजम्पशन करेंगे, मानेंगे कि क्या क्या मानना है, उसके बाद हम उसमें कैलकुलेशन करते से स्टेप बाई स्टेप सॉल्व करेंगे। पहले हम स्टेप में करेंगे हम इलेक्ट्रिकल लोड्स ऑफ रूम्स। तो पहले बात करें हम लाइट पॉइंट, तो पहले हमको पता है क्वेश्चन में हमने देखा कि एक कमरे में हम कितने लाइट पॉइंट है, दो लाइट पॉइंट है। हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लोड्स ऑफ रूम मतलब टोटल लोड्स हम की हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहले जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा लाइट पॉइंट। लाइट पॉइंट जो होता है वो 60 वाट का होता है, तो 60 वाट इंटू 4, मतलब एक कमरे में यदि दो लाइट पॉइंट है, क्योंकि तो देखिए एक कमरे में टू लाइट पॉइंट है, तो दो कमरे में कितने हो जाएंगे, दो कमरे में हो जाएंगे 4, मतलब 4 × 60 वाट। एक पॉइंट का मतलब जो एक पॉइंट होता है उसका वाट होगा कितना, 60 वाट का पावर लेता है, तो यदि 4 हो जाएंगे कितने, 60 × 4 बराबर हो जाएगा 240 वाट। इसी प्रकार हम बात करेंगे फैन पॉइंट, फैन पॉइंट होता है 60 वाट का, तो एक कमरे में एक फैन लग रहा है, तो हमारे पास दो कमरे हैं, दो कमरे के लिए हो जाएंगे 120 वाट। प्लग सॉकेट हो जाएगा 100 वाट × 4, मतलब एक कमरे में दो सॉकेट लग रहे हैं, तो दो कमरे में कितने जाएंगे 4, मतलब 100 वाट × 4, मतलब 400 वाट। टोटल लोड से निकाल लेंगे इसका, ये टोटल लोड्स हो जाएगा हमारा 240, 120 और 400, 760 वाट। 760 वाट का ये दो कमरों का जो लोड बटा हुआ है 760 वाट है। तो टोटल पॉइंट कितने हो गए हमारे पास, 4, 4 और 2, मतलब 4, 4, 8 और ये 10। तो टोटल पॉइंट कितने हो गए, 10 पॉइंट हो गए। टोटल लोड्स कितना हो गया हमारा, 760 वाट हो गया। टोटल पॉइंट मतलब जितने हम कितने टोटल पॉइंट कितने हो रहे हैं कम, मतलब जो बिल्डिंग है दोनों कमरों को मिलाकर हमने 10 पॉइंट हमको लगाना है। अब हम बात करेंगे टोटल लोड 760 वाट, तो आई हम करंट निकालेंगे, करंट इक्वल टू हो जाएगा पावर अपॉन वोल्टेज, तो आई इक्वल टू हो जाएगा पी अपॉन वी। तो पावर हमारे पास आई थी, टोटल लोड्स कितना आया था, पावर टोटल पावर आई थी 760 वाट और पावर 230 वोल्टेज वोल्टेज हम ले रहे हैं, 3.33 एम्पियर की करंट क्या होगी इसके अंदर फ्लो होगी। अब हम अजम्पशन करेंगे, मानेंगे बिल्डिंग के दोनों रूम्स के लिए अजम्पशन निम्नलिखित है, मतलब हम अजूम करेंगे, एक अनुमान लगाएंगे कि हम इतना इतना हम इस चीज़ से कर रहे हैं। पहला हम बात करते हैं पहले पॉइंट की, तो बिल्डिंग में छत की हाइट 3 मीटर है, ये तो इसमें क्योंकि ये 3 मीटर मान नहीं रहे, 3 मीटर तो इसमें क्वेश्चन में दिया है कि जो हाइट होगी इसकी कितनी होगी, बिल्डिंग में छत की हाइट होगी कितनी, 3 मीटर होगी। तो बिल्डिंग में छत की है 3 मीटर रहता है, वायरिंग की वर्टिकल रन 2.5 पर, वर्टिकल रन क्या होगा, जो वर्टिकल रन होगा, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है मतलब डायग्राम है उसके हिसाब से हम समझ लेंगे वर्टिकल रन। देखिए तो जो वर्टिकल रन की बात हो रही है, मतलब ये डायग्राम देखिए, इसमें जो डायग्राम में ये छत है, ठीक, यहाँ पे छत लगी हुई है और ये जो चीज़ जो दिख रहा है ये है हॉरिजॉन्टल और ये क्या है वर्टिकल। तो वर्टिकल रन मतलब हो गया कि जो फ्लोर लेवल है, फ्लोर लेवल से लेकर ये जो इसकी ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, 2.5 मीटर ले रखी होगी। टोटल छत की ऊंचाई कितनी है,
टोटल है 3 मीटर, हमने हमको कम जो वर्टिकल रन है मतलब वर्टिकल में वायरिंग कितनी ऊंचाई से रन करवा रहा है तो वो उसकी ऊंचाई है 2.5 मीटर हमने माना है। ठीक, वर्टिकल रन हम कितने पर करा रहे हैं, 2.5 मीटर पर, इस प्रकार से हम इसमें देखेंगे। तो बिल्डिंग में छत की हाइट 3 मीटर रहता है, हम वायरिंग की जो वर्टिकल रन है हम उसको कैसे करेंगे, वर्टिकल में जो वायरिंग है मतलब ये जो आड़ी वायरिंग ये चली है इस प्रकार से दीवार में सीधी वायरिंग, ये कितनी ऊंचाई पर है, 2.5 मीटर पर ऊंचाई पर होगी। फिर अगला है स्विच बोर्ड की फ्लोर से हाइट 1.5 मीटर होगी। तो हमको पता है कि आईईई जो रूल होते हैं नियम, भारतीय विद्युत नियम के जो रूल होते हैं उसके हिसाब से हमने लिया है कि स्विच बोर्ड की फ्लोर से हाइट 1.35 मीटर होगी। मतलब ये फ्लोर है, फ्लोर से जो स्विच बोर्ड है, मेन स्विच बोर्ड है ये, तो ये स्विच बोर्ड है, इसकी हाइट यहाँ से कितनी होगी, 1.5 मीटर की हाइट पर ये लगेगा। ठीक, फिर अगला आता है मेन स्विच बोर्ड की फ्लोर से हाइट कितनी होगी, 1.5 मीटर। मेन स्विच बोर्ड जो होगा हमारा उसकी हाइट कितनी होगी, 1.5 मीटर। तो जो मेन स्विच बोर्ड है हमारे पास क्या है, ये जो मेन स्विच बोर्ड है इसकी हाइट क्या है, फ्लोर से हाइट है 1.5 मीटर, हमने माना है कि हमको फ्लोर इतनी यहाँ से इतनी ऊंचाई पर रखना है। फिर आता है लाइट पॉइंट की फ्लोर से हाइट 2.5 मीटर होगी। मतलब जो 2.5 मीटर मतलब लाइट पॉइंट की बोला है, तो यहाँ से जो ये भी 2.5 है तो होल्डर हम इसी पे दे देंगे जंक्शन बॉक्स पर, तो होल्डर तो ये भी 2.5 मीटर पर ऊंचाई पर हो जाएगा। फिर आता है वायरिंग हेतु हम लूपिंग विधि का इस्तेमाल करेंगे, मतलब लूपिंग मेथड जो होती है उसका हम उपयोग करेंगे। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग, मतलब हम एक डायग्राम बनाएंगे उसके हिसाब से इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग, 2 कमरे बनाएंगे। ठीक, फिर उसमें मेन स्विच बोर्ड, उसके बाद हम क्या करेंगे, जिस हिसाब से उसने पॉइंट बोला है उस पास पॉइंट को हमको लगाना है। पहले हमने मेन स्विच बोर्ड लगा दिया, फिर हमने वर्टिकल लाइन मतलब जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको चलाएंगे, फिर उसके बाद ही क्या है L1 लैंप 1 लगा दिया। फिर यहाँ से जो लैंप 1 यहाँ से इसकी दूरी है मतलब ये इस दीवार से जो लैंप लगाया गया है 2 मीटर, मतलब टोटल कमरे की जो लेंथ है वो कितनी है, 4 मीटर है, और ये ऐसे में 3 मीटर है। तो जो हमने एकदम सेंटर पे लगाया हुआ है 2 मीटर पर, फिर उसके बाद फैन भी बीचों बीच में लगाया है, यहाँ से इतनी इसकी दूरी कितनी है 2 मीटर। इसके प्रकार यहाँ से लैम्प 2 जो लगा है उसकी भी दूरी कितनी है 2 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी है 3 मीटर, क्योंकि ये रूम की हाइट कितनी है 3 मीटर है। तो मेन स्विच बोर्ड L1, फिर स्विच बोर्ड लगाएंगे, मेन स्विच बोर्ड लगे, स्विच बोर्ड ही लग गया, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 मीटर, या 2 मीटर, ये 2 मीटर, इस प्रकार से ये L1 L2 मतलब लैम्प 1 लैम्प 2 का पॉइंट, और ये हो जाएगा फैन का पॉइंट, ये फैन का सिंबल होता है, इस प्रकार से हमको सिंबल से दर्शाना है। F1 ये रूम 1 हो गया। अब रूम 2 की बात करते हैं, तो रूम 2 में मेन स्विच बोर्ड तो एक ही लगेगा, इसलिए रूम 2 में क्या होगा, यहाँ पे L3 L4 दो लैंप हो गए, यहाँ पे फैन F2 हो गया, और एक यहाँ पे स्विच बोर्ड लग गया। इस प्रकार से इसकी दूरी यहाँ से 2 मीटर, यहाँ से इसकी 2 मीटर, यहाँ से इसकी 2 मीटर, ये पूरी 3 मीटर। इस प्रकार से हमने ये पूरा एक प्लानिंग तैयार कर लिया। ठीक, डायग्राम बना, अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ लेंथ ऑफ बैटन की, हम बैटन की कैलकुलेशन करेंगे कितना लंबी बैटन हमको लगेगी। तो बैटन की लेंथ को निकालने के लिए वर्टिकल और हॉरिजेंटल लेंथ की गणना करते हैं, मतलब जो वर्टिकल है और हॉरिजेंटल है उसकी दोनों की हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो हमको पता है कि वर्टिकल, इसमें देखिए ये जो है ये हॉरिजेंटल गई है, ये जो बैटन गई है इसमें ये हॉरिजेंटल गई है, और ये जो गई है वो वर्टिकल लेंथ है। तो पहले जितनी भी वर्टिकल में हमने लगाए हैं वो वर्टिकल निकाल लेंथ निकाल लेंगे, फिर जितनी हॉरिजेंटल लेंथ है, हॉरिजेंटल में वायरिंग गई है उस हॉरिजेंटल लेंथ निकाल लेंगे। ठीक, पहले हम वर्टिकल के रन कराएं, जितनी वर्टिकल है उसकी लेंथ निकाल लेते हैं, फिर उसका जितनी हॉरिजेंटल है, जितनी हॉरिजेंटल वायरिंग गई उसकी लेंथ निकाल लेते हैं। तो हम बात करते पहले अब हम पहले बात करते हैं वर्टिकल लेंथ की गणना करते हैं। वर्टिकल लेंथ की कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा, उसमें मेन स्विच बोर्ड की वर्टिकल लेंथ कितनी होगी, देखो मेन स्विच बोर्ड जो लगाया गया है उसकी वर्टिकल लेंथ कितनी होगी, हमने लिया है 2.5 माइनस 1.5 क्यों लिया, देखो मेन स्विच बोर्ड की जो वर्टिकल लेंथ है, अब मेन स्विच बोर्ड की नहीं ले रहे हम, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, मेन स्विच बोर्ड के तक जो वो बैटन आया है उसके हम बैटन की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो बैटन जो आया है वो कैसा है, मेन स्विच बोर्ड की जो वर्टिकल लेंथ क्या हो जाएगी, 2.5 मतलब -1.5। देखिए अब ये डायग्राम समझते हैं, तो इसमें देखिए मेन स्विच बोर्ड ये है। ठीक, अब हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की हाइट 2.5 मीटर है, मतलब ये जो फ्लोर से ये जो
हॉरिजेंटल जो लाइन गई है, बैटन गई, उसकी लेंथ कितनी, यहाँ से ऊंचाई कितनी है, 2.5 मीटर। बोर्ड की हाइट कितनी है, मेन स्विच बोर्ड की 1.5 मीटर। तो हमको निकालना है बैटन की लेंथ यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो हम 2.5 में से 1.5 घटा देंगे, तो जो जितना बचेगा ये क्या हो जाएगा हमारा, मेन स्विच बोर्ड के लिए जो बैटन की लेंथ आएगी, बैटन की लेंथ निकल जाएगी यहाँ से। तो हम देखो इस डायग्राम में निकाला भी है, 2.5 माइनस 1.5 इक्वल टू 1 मीटर जो आ रहा है, इसकी वर्टिकल लेंथ ऑफ मेन स्विच बोर्ड बैटन के लिए हो जाएगी। तो वर्टिकल लेंथ, ये एक वर्टिकल लेंथ निकाली। इसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, अगला हमने निकाली है 1 मीटर हमारा आ गया। उसी प्रकार हम निकालेंगे दो स्विच बोर्ड की वर्टिकल लेंथ। अब दो कमरे में दो स्विच बोर्ड लगे, तो दोनों स्विच बोर्ड के लिए हम क्या करेंगे, टू क्वेश्चन करेंगे, 2.5 माइनस 1.35 बराबर जाएगा 2.3 मीटर। अब देखिए, अब अपने पास ये जो बोर्ड है, हमने एक स्विच मेन स्विच बोर्ड का देखा, अभी स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड कितनी ऊंचाई पर है, यहाँ से ये कितनी है, 2.5 मीटर, हमको पता है कि 2.5 मीटर है, ठीक। अब यहाँ से इस बोर्ड की लेंथ, ये टोटल 2.5 मीटर, यहाँ से इतनी क्या है, 1.35 मीटर। तो हम क्या करेंगे, इस 2.5 में से 1.5 घटा देंगे, तो यहाँ से इस लेंथ, ये वाली जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक के लिए जो बैटन के लिए लेंथ आएगी वो निकल जाएगी। तो हमने क्या किया है, देखो 2.5 माइनस 1.35 इक्वल टू 1.15 मीटर। तो ये एक बोर्ड के लिए निकल रही है 1.15 मीटर। तो वर्टिकल लेंथ अब क्या हो जाएगी, स्विच बोर्ड की बैटन की जो हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक जो बैटन लगेगा कितना लगेगा, 1.5 मीटर। अब जो एक बोर्ड के लिए निकाली हमने, दोनों बोर्ड के लिए कितनी हो जाएगी, तो हमने यहाँ पे गुना किया है कैलकुलेशन, 2 × 1.5 तो हो जाएगा 2 × 2.3 मीटर की जो हो जाएगी, ये 1 मीटर आ गई, 2.3 मीटर आ गई। अब पंखों के लिए वर्टिकल लेंथ, दोनों पंखों के लिए निकालना है, तो वर्टिकल लेंथ 2 × 3 माइनस 2.5 इक्वल टू 2 × 0.5, मतलब जाएगा 2 का गुना किया है हमने, क्योंकि 2 फैन है और 1 मीटर इसकी आ रही है। अब देखो कैसे निकालना है, हमको पता है टोटल लेंथ कितनी है, 3 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 2.5 मीटर है, तो हमको निकालना सिर्फ यहाँ से, क्योंकि ये पंखे, ये जंक्शन बॉक्स, ये जो वायरिंग है, इससे ऊपर लेके जा रहा है। हम पहले टोटल वर्टिकल निकाल, वो जो हम वर्टिकल निकाल रहे हैं ना, तो ये वर्टिकल की यहाँ से यहाँ तक की हमको निकालना है, टोटल थी यहाँ से छत से लेके फ्लोर तक की 3 3 मीटर की हाइट है, और यहाँ से यहाँ तक जो हॉरिजॉन्टल वायरिंग डली वो 2.5 है, तो 3 माइनस 2.5 कर देंगे, तो ये जाएगा 0.5 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब 0.5 मीटर एक फैन के लिए क्या लगेगी, बैटन की लेंथ लगेगी। तो वर्टिकल लेंथ ऑफ बैटन ऑफ फ्रॉम फैन के लिए हो जाएगा, फैन पॉइंट के लिए तो कितनी हो जाएगी, 0.5 मीटर एक फैन के लिए, 0.5 मीटर, तो दोनों फैन के लिए कितनी जाएगी, बैटन 1 मीटर, तो ये कितना आ गया, 1 मीटर आ गया। उसके बाद हम बात करेंगे लाइट पॉइंट के लिए वर्टिकल लेंथ, 2.5 माइनस 2.5 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि हमको पता है हमने क्या किया है। देखिए लाइट पॉइंट को हम इसी 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 हॉरिजॉन्टल लाइन पर ले रहे हैं, तो हमने किसी हमने लाइट के लिए क्या अलग से, हमने नीचे दो उतारा नहीं है या कहीं ऊपर लेके नहीं गया है, हमने उसी हाइट पर रख दिया। तो हमको वर्टिकल के लिए, लाइट के लिए हमको क्या, वर्टिकल जो लग रहा है लेंथ बैटन की, उसमें हमको ज़रूरत नहीं है, इसी हमको हॉरिजॉन्टल में लगाना है इसमें, इसलिए हमको इसकी हो जाएगी 0 मीटर। तो हम अब क्या कर लेंगे, टोटल वर्टिकल लेंथ क्या हो जाएगी, 1 + 2.3 + 1 इक्वल टू 4.3 मीटर क्या जाएगा इसका टोटल वर्टिकल लेंथ। अब हम बात करेंगे हॉरिजेंटल लेंथ ऑफ हॉरिजेंटल लेंथ कैलकुलेशन। हॉरिजेंटल कैलकुलेशन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले रूम 1 फिर रूम 2। अब रूम 1 के लिए देखिए 3.5 ये कैसे आया, हम टोटल कर लेंगे। इसके लिए हम बात करेंगे, देखो जो रूम 1 है, यहाँ से इस दीवार से यहाँ से हम ये जो दूरी है कितनी है, ये 3.5 मीटर है, ठीक। तो यहाँ से जो हॉरिजेंटल वायरिंग गई है वो कितनी हो गई, 3 मीटर की, फिर यहाँ से ये हो गई 3 मीटर, फिर यहाँ से ये जो है वो 2 मीटर, और ये फैन के लिए 2 मीटर, तो कितना हो गया, 2 + 2 + 3.5 + 3 कितना हो जाएगा, देखो 3.5 + 2 + 3 + 2 मतलब टोटल मीटर हो गया 10.5 मीटर, और रूम एक सिर्फ रूम 1 के लिए। फिर रूम 2 के लिए कैलकुलेशन करेंगे, 2 3 2 2 कैसे हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी लेंथ कितनी है, 2 मीटर, फिर ये फैन के लिए यहाँ से यहाँ तक जो पाइप डलेगा, मतलब बैटन डलेगी उसके लिए 2 मीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक जो डलेगी 2 मीटर, और ये जो लेंथ की है वो 2 मीटर 3 मीटर, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 9 2 3 2 2 मतलब 2 टोटल कितनी, 9 मीटर की लेंथ हो जाएगी। तो हम टोटल हॉरिजॉन्टल लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 9 + 10.5 मतलब 19.5 मीटर की हो जाएगी। अब टोटल लेंथ ऑफ बैटन, हमने जो हॉरिजॉन्टल निकाला था, मतलब वर्टिकल जो निकाला
मतलब वर्टिकल प्लस हॉरिजेंटल दोनों को टोटल कर देंगे तो 4.3 और 19.5 को टोटल हो जाएगा 23.8 मीटर की जो होगी हमको बैठने की आवश्यकता पड़ेगी। अब हमने तो ये टोटल निकाला, इतनी लेंथ हमको लग रही है, लेकिन हम बात करेंगे इसमें 10% जो वेस्टेज होता है, छीलन वगैरह निकलती है, 10% उसको हम जोड़ लेंगे तो 2.33 हो जाएगा, 2.38 हो जाएगा। किसका 10% हो जाएगा, ये 2.38 का 10% निकालेंगे तो जाएगा टोटल हो जाएगा 26.18 मीटर, या 27 मीटर की हम टोटल लेंथ ले सकते हैं, खरीद सकते हैं इसको बैटन को। अब लेंथ ऑफ पीवीसी केबल निकालेंगे हम लेंथ। अब क्या होता है, पीवीसी केबल की लेंथ सामान्यतः बैटन की लेंथ की 3 गुना होती है, मतलब लेंथ ऑफ पीवीसी केबल हो जाएगी 27 × 3 मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो 81 मीटर की लेंथ लगेगी। देखो हम एक बार और बता दे रहे हैं कि ये वाली जो हमने निकाला टोटल, ये थी और वर्टिकल, और ये टोटल निकाला जितनी भी हॉरिजेंटल में ऐसी लाइन चली हुई है वो हमने निकाला है हॉरिजेंटल, टोटल लेंथ कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद हमारी ये आ गई थी 27 मीटर, तो हमने 27 × 3 कर लिया तो 81 मीटर का जो हमको लेंथ केबल की लेंथ लगेगी। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने निकाली लेंथ, अब हम क्या करेंगे, इस्टीमेटिंग एंड कॉस्टिंग एंड मटेरियल करेंगे, मतलब सामग्री का विश्लेषण, मात्रा, दर और मूल्य। अब हमको किस किस सामग्री की आवश्यकता है हम उसको हम लिखेंगे, कितनी सामग्री हमको लग रही है, कितने मटेरियल्स हमको लग रहा है, क्या क्या लग रहा है, कितने रेट, कितना नग लग रहा है, मतलब कितनी मात्रा में लग रहा है, दस की रेट क्या है, और हमको कितना लगना, कितना मूल्य हमको है, तो हम टोटल रुपए में खर्चा निकालेंगे। तो पहला है DPIC स्विच, जो डबल पोर्ट आयरन क्लेट जो स्विच होती है, DPIC 15 एम्पियर 250 वोल्ट विथ स्विच फ्यूज के साथ, वो कितने की है, एक नग हमको लग रही है, मेन स्विच बोर्ड में लगाने के लिए हमको एक नग लगेगा, 415 रुपये का एक पड़ता है तो हमको कितना हो जाएगा, हमारे को 415 रुपये, ठीक। उसी प्रकार दूसरा हो जाएगा PVC कॉपर केबल 1.5 मीटर स्क्वायर। अब देखो हमने लिया है 1.5 mm² वायर लिया है, क्योंकि हमको पता है कि जो हम डोमेस्टिक के लिए यूज़ करते हैं 1.5 मीटर बहुत है, पावर के लिए हम 2.5 mm² का भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक। इस प्रकार से हम कर रहे हैं इसका 1.5 mm² का, तो मल्टी कोर, हम मल्टी कोर का यूज़ कर रहे हैं, मल्टी कोर का मतलब होता है कि एक दो इस प्रकार से इसमें ढेर सारी कोर होगी वायर में, इस प्रकार मल्टी कोर, तो ये जो हो जाए 81 मीटर हमको आवश्यकता है, हमने कैलकुलेट किया 81 मीटर वायरिंग हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो जो 1230 रुपये का आता है, 90 मीटर का एक डिब्बा आता है, तो हमको चाहिए कितना, 81 मीटर, 81 मीटर का हम कैलकुलेशन करेंगे तो जाएगा 1107 रुपये, ठीक। इसी प्रकार हम तीसरा बात करेंगे, कॉपर वायरिंग 14 SWG, कॉपर वायर 14 SWG अर्थिंग वायर के, अर्थिंग के लिए हमको जो चाहिए 14 SWG का कॉपर वायर चाहिए, तो वो 100 ग्राम चाहिए, तो 490 रुपये का जो आता है, 1 किलो आता है, तो 490 का 1 किलो मतलब 100 ग्राम कितने हो गया, 49 रुपये का, मतलब 49 रुपये का, ठीक। इसी प्रकार जाएगा सिंगल पोल स्विच, सिंगल पोल मतलब होता है दो पोल होती है इसमें, वन वे स्विच जिसको हम बोलते हैं, 5 एम्पियर 250 वोल्ट, सरफेस माउंटिंग वो होती है, सर मतलब बोर्ड के सरफेस में लग जाती है इस प्रकार से, तो 10 नग हो जाएगी। टोटल पॉइंट कितने थे, 10 10 10 पॉइंट थे, मतलब देखो 10 नग हमको ऐसे लग रही है, हमने पॉइंट निकाला था, थे वो पॉइंट, हम फिर से फिर वापस चलते हैं, तो हमने टोटल पॉइंट निकाला था, 2 पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट लाइट के लिए, 4 बटने लाइट के लिए, 2 बटने फैन के लिए, और प्लग सॉकेट लगेंगे, 4 प्लग सॉकेट के लिए 4 बटने, मतलब टोटल पॉइंट कितने होगी, 10, तो 10 पॉइंट निकला मतलब 10 बटने होंगे, ठीक। इसी प्रकार कॉपर वायर 14 SWG, उसके बाद जाएगा सिंगल पोल स्विच, ये भी हो गया, उसके बाद देखो सिंगल पोल जो स्विच है 10 नग लगेगी, तो 30 रुपये की एक नग मिल, 30 रुपये का एक मिलता है, ये 300 रुपये की होगी 10 नग। ये जो प्राइस लिखा हुआ है इसमें, ये अभी करंट का प्राइस है, कि करंट में इतनी प्राइस में मिल रही है, हमने पुराना प्राइस नहीं लिया, हमने प्राइस जो लिया है वो करंट का लिया हुआ है, करंट टाइम में जो चल रहा है। फिर है बैटन होल्डर्स, बैटन होल्डर जो होते हैं हम जो लगाएंगे, 5 एम्पियर 250 वोल्ट, 4 नग, क्योंकि 4 लैंप लग की पॉइंट है, तो 4 नग लगेंगे, और 50 रुपये का नग है, 50 रुपये का एक मिलता है, तो 200 रुपये का 4 हो जाएंगे। इसी प्रकार सीलिंग रोज, फैन को लगाने के लिए, फैन की वायरिंग करने के लिए हमको सीलिंग रोज की आवश्यकता पड़ती है, तो 5 एम्पियर 250 वोल्ट, दो फैन है इसलिए 2 सीलिंग रोज, 15 रुपये का एक पड़ता है, तो ये हो जाएगा 30 रुपये के 2। इसी प्रकार 3 पिन प्लग सॉकेट, 5 एम्पियर 250 वोल्ट, सरफेस माउंटिंग, 4 नग, 4 प्लग सॉकेट, एक कमरे में 2 लगा रहे, तो 2 कमरे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 60 रुपये का एक मिलता है, तो 240 का कितने हो जाएंगे, 4। फिर उसके बाद फैन रेगुलेटर, फैन लगा रहे तो उसके लिए हम फैन रेगुलेटर लगाएंगे, तो 2 नग 2 फैन, इसलिए 2 फैन रेगुलेटर 90 रुपये का एक होता है, तो 180 रुपये के 2 पड़ेंगे। इस प्रकार से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर आता है सीलिंग रोज, केसिंग कैपिंग 22 mm की होती है, 27 मीटर की हमको केसिंग कैपिंग हम यूज़ कर रहे हैं, मतलब हमने जो बैटन की लेंथ निकाला था कितनी थी, 27 मीटर, तो 9 रुपये मीटर मिलता है, तो 27 मीटर कितने का 900 243 रुपये की हो जाएगी। इसी प्रकार जंक्शन बॉक्स, वन वे टू वे जितने भी हमको जंक्शन बॉक्स लगेंगे, 6 नग जंक्शन बॉक्स लग रहे हैं, तो 15 रुपये का एक आता है, तो 90 रुपये के
छः आ गए। स्विच बोर्ड 25 सेंटीमीटर इंटू 35 सेंटीमीटर का जो पीवीसी स्विच बोर्ड लगा रहे हैं उसको 3 नग लग रहे हैं, क्योंकि दो हो गए स्विच के लिए और एक हो गया मेन स्विच बोर्ड के लिए, 3 बोर्ड लगा रहे हैं हम। तो 80 रुपये का एक पड़ता है, 240 रुपये के 3 पड़ेंगे। इसी प्रकार पीवीसी गिट्टी जो हम दीवार में स्क्रू वगैरह लगाने के लिए जो गिट्टी लगाते हैं, तो वो वॉल वॉल प्लग बोलते हैं जिसको हम, ये गिट्टी बोलते हैं। तो 38 mm, 30 mm दो प्रकार के ले लिए, 80 हमको लग रही है, तो 20 रुपये का 12 आता है, तो 134 रुपये की आगे कितनी, 80। इसी प्रकार हम निकालेंगे स्क्रू 38 mm, 81, 31 mm, 19 mm, इस प्रकार से 12, 12, 56 पूरे नग ले लेंगे। जो केसिंग के पे लगाने के लिए हम ये 56 लगेंगे, 12 जो है बोर्ड कटने के लिए कसने के लिए लगेंगे, और जो 12 है ये जंक्शन बॉक्स लगाने के लिए लगेंगे। इस प्रकार 36 टोटल में हो जाएंगे, 36, 24 और 15। इस प्रकार टोटल जो मूल्य हमारा निकल जाएगा, एस्टिमेटिंग टोटल खर्चा कितना जाएगा, 3044 रुपये का खर्चा जाएगा। हम इस प्रकार से हम एस्टिमेटिंग और कॉस्टिंग में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कैसे। इस प्रकार डोमेस्टियल की हमने अभी जो बात की है, डोमेस्टियल वायरिंग की न्यूमेरिकल जो है उस प्रकार से सॉल्व किया है।